नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड फ्यूल कॉस्ट की, खाना बनने में लगने वाली ईंधन की लागत को। आप लोग फूड कॉस्ट अब तक आसानी से निकालना समझ गए होंगे, पर आपको ये कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है कि मैन पावर कितनी लग रही है, मेरी फ्यूल की कॉस्ट कितनी लग रही है। तभी जाके आप एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाते हो जो कि आपको कस्टमर पे करता है उस पर्टिकुलर डिश को खरीदने के लिए। मैन पावर के बारे में कभी और बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड की फ्यूल कॉस्ट की। यहाँ पे अगर मैं फूड की फ्यूल कॉस्ट को बांट दूँ तो ये दो पार्ट में आ जाती है, फूड कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं यहाँ पे एक लोगो लगा दूंगा। ये एक मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के इनरोल मेंबर है, द रोल्स अभय गायकवाड़ इनका नाम है, जिनका कि पुणे प्रभात नगर में रेस्टोरेंट प्लस क्लाउड किचन भी है। इनका अपना खुद का एक डिलीवरी ऐप भी है जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको इंक्लूड करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप पुणे में हैं, प्रभात नगर में हैं, तो प्लीज़ इनके रेस्टोरेंट पर जरूर विजिट कीजिएगा। स्विगी जोमैटो के थ्रू ज़रूर खाना मंगाइएगा। अगर आप मेरा नाम लेंगे, मेरे थ्रू जाएंगे, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहाँ पे खाना भी इंजॉय अच्छे से कर पाएंगे। टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं, फूड फ्यूल कॉस्ट। फूड कॉस्ट जो भी हम लोग खाना बनाते हैं उसमें लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को उनके प्राइस के अनुसार हम लोग ले लेते हैं और एक टोटल कर लेते हैं जो कि हमारी फूड कॉस्ट आ जाती है। अब फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे है कि हम लोग जो ईंधन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ईंधन में हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे गैस, जिसको कि हम लोग LPG सिलेंडर बोलते हैं। दूसरा हमारा कोल यूज़ करते हैं, जिसको कि कोयला बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों के मन में ये भी मिथ होता है कि या आप लोग इतनी सारी वीडियोस देखते हो, आप लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर एक परसेंटेज होता है, उसको अगर मैं अपने फूड कॉस्ट के ऊपर लगा दूं तो मुझे उसकी फ्यूल कॉस्ट पता चल पाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर आज तक आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो वो बिल्कुल ही गलत था, आपकी फूड कॉस्ट बिल्कुल ही गलत निकल के आएगी। सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि अगर मुझे ऑमलेट बनाना है तो मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर मैं गैस पे बना रहा हूँ तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर मैं एक दाल बना रहा हूँ तो उसे बनने में लगभग आधा घंटा लगेगा। तो किस प्रकार से अगर मैं दोनों की फूड कॉस्ट या एक कोई भी परसेंटेज, चाहे मैं 5%, 10%, 15% बोलूँ, अगर मैं दोनों की सेम लूँगा तो वो एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि दोनों का जो टाइमिंग है बिल्कुल ही अलग है। दूसरा यहाँ पे हम लोग मुश्किल हो जाता है निकालना। जैसे कि मान लीजिए तंदूरी आइटम हम लोग कुछ बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग तंदूर का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे फ्यूल की कंजम्पशन को कैसे निकालूँ। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में अगर आप आराम से देखोगे तो समझ पाओगे। इसके अलावा मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, फूड मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप लोग वो प्रोग्राम इनरोल कर सकते हो। मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज हैं, बाकी कई सारे मेरे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप पर्सनली मुझसे ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स की तरह सीख सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा। आपको जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, चाहे आप कोल की बोले या आप गैस की बोले, सिंपली आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो कि बार बार आता रहेगा, जिसके कि द्वारा आप लोग पूरे महीने में जो भी कंजम्पशन होती है आपकी फ्यूल की, कोल, और सिर्फ मैं यहाँ पे कोल और LPG सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी आपके जो बिल में ही इंक्लूड हो जाती है, या फिर आप चाहे तो एक अलग से प्रॉपर अगर बिल एक मीटर या सब मीटर लगा देंगे तभी आप उसको पकड़ पाएंगे, नहीं तो सेम अगर उसको आप ईंधन के तौर पे लेंगे तो आप कभी भी सही तरीके से निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर आप जो स्क्रीनशॉट को देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे डे और डेट लिखा है, कौन सा दिन है और कौन सा वार है, सोमवार है, मंगलवार है, 1 तारीख है, 2 तारीख है, वो पूरा का पूरा आपको एक कॉलम बनाना है। उसके बाद दूसरा उसमें है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से मेरा मतलब है कि जो लास्ट दिन में जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है सिलेंडर का वो कितना था। तो आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ दिख जाएगा, कई सारे फिगर्स भी आपको आते रहेंगे। इसके बाद है न्यू रिसीविंग, जो भी सिलेंडर मैं बाहर से रिसीव करूँगा, जो भी वेंडर के थ्रू आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है इंस्टॉल। सिलेंडर चाहे बाहर से कितने भी आ रहे, अगर मैं एक इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं 1 लिख दूंगा, मैं 2 इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं 2 लिख दूंगा, जितने भी मैं इंस्टॉल करूँगा मैं उतने लिख दूंगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर डे का मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर मेरे पास 10 आए हैं, मैंने 1 इंस्टॉल कर दिया है तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस 9 है। और उसके बाद टोटल कंज्यूम, मैंने उस दिन में टोटल कितने कंज्यूम करे हैं, तो जो भी मैंने इंस्टॉल करे हैं मैं उसे मानूंगा कि मैंने वो कंज्यूम कर लिया है। तो इस प्रकार से पूरे महीने का आपका एक डाटा आ जाता है और लास्ट में आपको पता लग पाता है कि मैंने कितने रिसीव करे हैं, कितने इंस्टॉल करे हैं, और लास्ट में टोटल जितने भी आपने कंज्यूम्ड करे हैं उनको आपको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है और आपको पता चलता है कि मैंने एक महीने में कितना
गैस यूज़ करा है, कितना फ्यूल यूज़ करा है अपने इस पर्टिकुलर खाने को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो भी एक फिगर आ जाएगा और उसे अगर आप कंपेयर करते हो अपनी सेल के साथ, तो आप अपने लिए एक फ्यूल कॉस्ट निकाल पाओगे। सेम आप ये चारकोल के साथ भी कर सकते हो, कोल के साथ भी कर सकते हो। तभी जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, 1-2 महीने करते हो, उसके बाद आपको एक प्रॉपर से एक परसेंटेज पता लग पाएगी कि आप एक्चुअली में कितना परसेंटेज लगा रहे हो फ्यूल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एक सेट हम लोग नहीं लगा सकते। वहीं अगर आप सिंपली बोलें, आप जो भी खाना बना रहे हैं, जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही है, अगर आप उसको 2.5 गुना या 3 गुना करके बेच देते हैं, तो उसके अंदर आपकी सारी की सारी मैन पावर, फ्यूल या और बाकी की चीज़ें हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फूड फ्यूल कॉस्ट के बारे में पता चल गया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा, आप उसे जाके वहाँ पे लिख सकते हैं या फिर मेरे प्रोग्राम इनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।